बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन पाकिस्तानी गिरफ़्तार हो चुके हैं जद्दा से। भाई सैकड़ों के हिसाब से गिरफ़्तार होते हैं। मेरे खुद से दो दोस्त गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार से मुराद ये है जी, एक गिरफ़्तार हुआ खुद से जद्दा शमेसी के थ्रू पाकिस्तान में सफ़र किया, और दूसरा सफारत से खरूज लगवा कर आया। मैं खुद से गिरफ़्तार हो चुका हूँ मदीना अल मुनव्वरा में, साथ में तीन दोस्त और चार दोस्त यानी कि पाँच बंदे। इकाम एक्सपायर था उस टाइम मेरा भी, पांचों के ही काम एक्सपायर थे, और मदीना जेल में 2 घंटे रखे, उसके बाद फ़ाइन वगैरह करके हमें छोड़ दिया गया। तो गिरफ़्तार तो बहुत से हो जाते हैं, ये तो बात नहीं है जी, लेकिन अगर ईकाम वगैरह एक्सपायर हो, आपको पता ही, या तो आपकी गलती है या ज़्यादातर कंपनीज़ की गलती होती है। आज़ाद बंदे अपना ईकाम वैसे लगवा कर रखते हैं। अभी ये जो बंदे तीन गिरफ़्तार हुए हैं पाकिस्तानी, इनके मतलब पहले यहाँ पर आपको मैं एक ट्वीट दिखा दूँ, उसके बाद आपको इनके मतलब बता भी देता हूँ मैं। कब्ज तराता मुकीमीन जिनसिया पाकिस्तानिया, ठीक है जी, लिखा हुआ है, साथ में नीचे की लिखा हुआ है जी, 60 किलोग्राम अन मादा अल निसा मिथफितामीन अल मुखदर शबू, इसे शबू भी बोला जाता है, फितामीन की गोलियों भी बोला जाता है। 6 किलो मवाद इनसे बरामद हुआ है जी, ये वाला जो पिक्चर में आप देख रखे हैं, और ये कन्फर्म है जी, सऊदी बोर्ड की तरफ से इनकी पिक्चर ये लगाई गई है अपने अकाउंट्स के ऊपर। और अगर अभी ये, यानी कि सिंपल फाज में आपको बता दूं, तो ये ड्रग्स स्मगलिंग करते थे, यानी कि ये विटामिन की गोलियाँ ड्रग्स के ज़ुमरे में आती हैं, और ये बेचते थे इनको, इस ज़ुमरे में पकड़े गए हैं। अभी इसके मतलब जो सज़ा है ना, सऊदी अरबिया कवानीन के मुताबिक कोई भी बंदा ड्रग्स स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाए, या तो उम्र कैद है या गर्दन तन से जुदा है, दोनों में से एक सज़ा होती है। लेकिन वो यानी कि मादे की, यानी कि जो आप स्मगलिंग चीज़ कर रहे हैं, उसकी मकदार देखकर आपको सज़ा दी जाती है। अभी इनको मेरे हिसाब से कमोबेश 15 से 20 साल की सज़ा हो सकती है, और जो जुर्माना होगा वो इनके अलहदा होगा। तो अगर खुदारा कोई भी आपका ऐसा दोस्त है, या आप किसी से कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करते हैं, तो बाज रखें परदेश में रहते हुए।